शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अंजलि को लगता है कि आदित्य ने ही यश को गायब किया है। ताई जी, ये आपने क्या किया? दिया बुझाकर अपशकुन कर दिया। अरे सबसे बड़ी अपशकुनी तो ये है, जब से इस घर में आई है सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अपना पाप छुपाने के लिए मेरे आदित्य पर इल्जाम लगा रही है। हमारे पास सबूत है बड़ी दादी। जिस आदमी की हत्या का इल्जाम यश जी पर लगाकर उनको फंसाया जा रहा है वो आदित्य की जान पहचान का है। और वो आदमी मरा नहीं है, वो जिंदा है। आदित्य यश जी को फंसाने के लिए सब कुछ कर रहा है। झूठी कहीं की, तुम लोगों को शायद मालूम नहीं, जिस आदित्य की बुराई कर रही है ना उसी से इश्क भी लड़ा रही है। ये सच नहीं है बड़ी दादी, हमारी बात का यकीन कीजिए। आदित्य हमारी यश जी को खत्म कर देना चाहता। यश जी पहले जैसे नहीं है, बात बात पर भड़कते हैं, खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया, अब किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिर हमारा क्या होगा? अंजलि अब मेरे करीब आना चाहते हैं।
आओ बेटो। आराम से यश, तू ठीक है ना? यश तू कहाँ था? किसने कैद करके रखा था तुझे? हम दिखाते हैं माँ, हमारे पास सारे सबूत हैं। हमने यही तो रखी थी वो फोटो, कहाँ गई? ध्यान से सुनो, मुझे लगता है कि अंजलि के हाथ कोई ना कोई सुराग जरूर लगा है। मौका मिलते उसका फोन चेक करना। फोटो नहीं मिल रही? कोई बात नहीं, हमने आज ही पीटर की कुछ फोटोज और वीडियोस अपने फोन में ली थी, हम दिखा देते हैं। वो आदमी जिंदा है जिसकी मौत का इल्जाम लगाकर यश जी को फंसाया जा रहा है। वीडियो और फोटो नहीं मिल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आज ही उसकी दुकान में जाकर खुद। सबसे बड़ी अपचुकनी तो ये है, जब से इस घर में आई है सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अपना पाप छुपाने के लिए मेरे आदित्य पर इल्जाम लगा रही है। बेचारी अंजलि ने अपने फोन का पासवर्ड भी तो मुझसे ही सेट करवाया था। आदित्य का शक सही था, थैंक गॉड। वक्त रहते ही मैंने सारे फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दिए। ए लड़की, नाटक बनकर बड़ी आई सबूत दिखाने वाली। तुम सच कह रहे हैं बड़ी दादी, हमारे पास सारे सबूत थे, हम खुद लेकर आए थे। सब कुछ उस आदित्य का किया धरा है, उसने उस पीटर का इस्तेमाल करके यश जी को फंसाया है। यश, आज अगर आदित्य नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। पहले तो इसने बड़ी मेहनत करके यश को हाईवे के पास वाले पुलिस स्टेशन से ढूंढ निकाला और फिर इसकी बेल करा के इसे यहां ले गया है। कौन जी तुम्हारा भला करे जो तुम मेरे यश को बचा कर ले आए? नहीं बात नहीं, आदित्य बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। इसने यश जी को फंसाया है। वो आदमी जिसकी मौत का इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया है वो मरा नहीं है, वो आदमी जिंदा है। क्यों झूठ बोल रही हो अंजलि? एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।